YouTube चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो गाइज आपको ये चार सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चार सेटिंग नहीं करोगे तो लाइफ में कभी भी आपका YouTube चैनल ग्रो नहीं होगा, ना ही आपका YouTube वीडियो पर व्यूज़ आएगा। 4, 10, 20 पर व्यूज़ आकर रुक जाए, क्योंकि 2024 आ चुका है। आज 1 जनवरी है, तो आपको आज से नए तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेटिंग्स है, कुछ कीवर्ड वगैरह डालना होता है गाइज। अगर आप ये नहीं डालोगे तो कभी भी आपका YouTube वीडियो वायरल नहीं होगा। गधी की तरह YouTube पर काम करने का कोई मतलब नहीं होता गाइज, क्योंकि स्मार्ट ट्रिक से काम करना होगा, स्मार्ट आइडिया लगाना होगा। देखिए गाइज, मेहनत तो हर कोई करता है, यहाँ तक कि मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। मैं सीधा पॉइंट पर जाता हूँ। मैं 4 सेटिंग बताने वाला हूँ, जिनमें सेटिंग है और कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये ट्रिक लगा लेते हो तो 100% आपका यूट्यूब वीडियो पक्का वायरल होगा। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। हमें सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर सेटिंग्स है। तो सेटिंग्स पर हमने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैनल पर हमने क्लिक करना है गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, इसका मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूँ सही ढंग से। अगर आप समझ जाओगे तो आपका YouTube वीडियो हमेशा वायरल रहेगा और आपका YouTube चैनल भी जल्दी ही ग्रो हो जाएगा। और आपका न्यू चैनल है तो वो सर्च लिस्ट में जाएगा, ब्राउजर फीचर में जाएगा और सजेस्टेड वीडियो में भी जाएगा। इसके अलावा गाइज, आप अपने चैनल को सर्च करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका YouTube चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता है, तो वो सर्च लिस्ट में भी आएगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है कंट्री। तो आप किस कंट्री में रहते हो? जाहिर सी बात है भाई, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा इंडिया होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हांगकॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ गाइज। बहुत ये गलत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर हांगकॉन्ग रख देते हैं या फिर और भी कोई कंट्री। तो भाई अगर हम यहाँ पर अमेरिका रख देंगे तो यूट्यूब भी तो गड़बड़ा जाएगा यार। बंदा इंडिया का, इसका कंट्री इंडिया का अमेरिका का सेलेक्ट करके रखा है, तो जाहिर सी बात है मामला बहुत रॉन्ग हो जाएगा। इसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल व्यूज़ नहीं आएगा, नहीं वायरल होगा, ना ही आपका ब्राउजर फीचर में जाएगा वीडियो वगैरह। तो इस पर हमने क्लिक करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा नंबर पर गाइस यहाँ पे कीवर्ड है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसका डिवाइड कर देना है। जैसे कि मेरा तौहीद ब्लॉगर है, ये मेरा ब्लॉग का चैनल है, ठीक है। तो तौहीद ब्लॉगर है, तौहीद ब्लॉग्स है, तौहीद है, ब्लॉगर्स तौहीद है। इसी तरफ से घुमा फिरा कर मैंने कुछ कीवर्ड डाले हैं। कुछ जो बड़े क्रिएटर हैं ब्लॉग के, तो उनका कुछ नाम यहाँ पर एक दो यूट्यूबर के यहाँ पर नाम मेंशन कर दीजिए। कुछ ट्रिक्स वगैरह भी जो लगाना है आप लगा सकते हैं अलग से। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ कीवर्ड आपको रखना ज़रूरी है। इसलिए गाइज कि जब भी आप सर्च करोगे अपना नाम से अपने YouTube चैनल, तो क्या होगा कि सर्च लिस्ट में आएगा, यहाँ से रैंक करेगा गाइज। अगर नाम यहाँ पर मेंशन रहेगा तभी तो रैंक करेगा। एक बार रैंक कर जाएगा तो परमानेंट आपका रैंक हो गया। तो आपको यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत यूट्यूबर यहाँ पर नहीं डालते हैं कीवर्ड। तो ये कीवर्ड आपको डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सेकेंड नंबर पर बात करते हैं एडवांस सेटिंग गाइज। तो मेन ज़रूरी है गाइज, अगर आप बहुत लोग ना इसे यूज ही नहीं करता, समझ भी नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर यूट्यूब पर तो हज़ारों करोड़ों यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, लेकिन सब थोड़ी ग्रो हो रहा है। तो बहुत लोग सेटिंग करना नहीं आता है और कहते हैं कि मेरा यूट्यूब वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 3 ऑप्शन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि एडल्ट के लिए है। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं गाइस, ये वाला, ये एडल्ट के लिए है। अगर इस पर क्लिक रहेगा तब आपका अच्छा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्लिक था, आई वॉन्ट टू रिव्यू। तो अगर हम इस पर यस वाला पर फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं गाइज, यहाँ पे इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी ऑल चेंज, यानी कि हर चीज़ आपका जो पहले का जो वीडियो है वो सारा जो है कि चेंज हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा, यहाँ से लिख रहा है आई ऑलवेज अपलोड कंटेंट दिस मेड फॉर किड। तो जितना जो वीडियो है उस सब पर किड वाला पर लग जाएगा। तो किड वाला पर लग जाएगा तो कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। जितना भी आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए, मिलियंस में सब्सक्राइबर आ जाए, तो आप पैसा गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं कर पाओगे। बच्चे का चैनल बन जाएगा ये। भाई हम एडल्ट हैं तो एडल्ट वाला ना वीडियो डालेंगे, बच्चा वाला थोड़ी है। तो जैसे कि हम एडल्ट हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड, आई नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर किड। तो ये किड जो कि बच्चे के लिए नहीं है ये कंटेंट, ठीक है, ये एडल्ट के लिए है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और दूसरा नंबर यहाँ पर है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। तो खैर यहाँ पर आपका जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लिंक को ऐड करना है, यानी कि एडसेंस को अटैच करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब ओके हो गया। अब आते हैं गाइस यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है गाइस। यहाँ पर देख लीजिए तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि दो ग्रीन है। तो थ्री नंबर वाला पे क्लिक करते हैं, एडवांस फीचर वाला पे क्लिक करते हैं गाइज। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट, ये जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं गाइज कि यहाँ पर ना यूट्यूब चैनल वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, मोबाइल नंबर से आपका वेरीफाई होता है, तब यूट्यूब को समझ में आएगा कहाँ ये कोई बंदा चला रहा है कि वेरीफाई है। कहावत है ना गाइज कि आपको रास्ता पता है लेकिन आपका घर पता नहीं है कहाँ पे मेरा घर है। तो उसी तरह का यहाँ पे, क्योंकि गाइज यहाँ पर नंबर से वेरीफाई नहीं करोगे, रजिस्टर नहीं करोगे यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि ये कोई बंदा चला रहा है, कोई रोबोट नहीं चला रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर यहाँ पर कर लीजिए। इंटरमीडिएट पे अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है तो वेरीफाई यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शन हैं ये हमारे इनेबल हो चुके हैं, जैसे कि लाइव स्ट्रीम और शॉर्ट्स वीडियो डेली अपलोड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मेन चीज़ जो है गाइस यहाँ पर ये चीज़ नहीं है हमारा, देखिए ये एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन जो कि हमारा कंप्लीट नहीं है। कब होगा ये? 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम और कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। तो आई होप गाइज यहाँ पर ये चीज़ आप क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर एडवांस सेटिंग क्लियर हो गया, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना गाइज, अब यहाँ पे पहले इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर सेव कर दिया। अब फिर से सेटिंग में गाइज हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में अब आते हैं, यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट में आते हैं, यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट में आते हैं, क्योंकि गाइज ये भी बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है गाइज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बताया था फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर टैग लिख सकते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो आप लिखना चाहें, लेकिन गाइज यहाँ पे जो टैग है यहाँ पे भी आपको टैग डालना होगा। दो जगह मैं आपको वहाँ पर बताया और यहाँ पर भी आपको कुछ उसी से मिलता जुलता रिलेटेड आपको सेम नहीं डालना है, थोड़ा आगे पीछे करके टैग, थोड़ा डिफरेंट टैग, मतलब मेन जिस कैटेगरी में आपका चैनल है, जिस कैटेगरी में वीडियो वगैरह है, तो उस कैटेगरी से हिसाब से आपको यहाँ पर टैग डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, डालने के बाद गाइज यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट। तो ये प्राइवेट जो है यहाँ पे प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए पब्लिक। तो टैग डालकर यहाँ पे आपको पब्लिक कर देना है। बहुत लोग ये काम भी नहीं करते हैं, तो पब्लिक करना है। मैंने यहाँ पर पब्लिक कर दिया है। अब एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं फिर से गाइज। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाइज हमारा जो वीडियो है, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो जाहिर से बात है अगर हिंदी में हम बोल रहे हैं और वहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे या फिर कोरियन या फिर फ्रांस, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जाहिर से बात है यार यूट्यूब भी बका जाएगा कि यार इसको कैसे ट्रांसलेट करें, ये बंदा इंडिया का है और कोरियन लैंग्वेज रखा है सेलेक्ट। तो ये इससे जो कि हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ देखिए वीडियो लैंग्वेज पे भी हमें यहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हिंदी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि भाई जाहिर से बात है हमें हिंदी में बोलते हैं तो हमें हिंदी को सेलेक्ट करना ही होगा। तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेकेंड नंबर पे है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखते हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखा हुआ होता है, तो हिंदी भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ पे हम इंग्लिश रखते हैं। हिंदी भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश इंडिया। ठीक है, तो इंग्लिश इंडिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब गाइज यहाँ पर एक कैटेगरीज जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिएगा जी मेरा ये कैटेगरी है, यानी किस कैटेगरी में हमारा वीडियो है। मान लीजिए कि हमारा ब्लॉग चैनल है, ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पर ऑप्शन क्या कर रहा है, हमारा तो ब्लॉग वाला चैनल है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर डाल दिए, कोई म्यूजिक डाल दिया, कोई हाउ टू स्टाइल डाल दिया ब्लॉग समझ कर। तो ये हमारा ब्लॉग का चैनल है, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है पीपल एंड ब्लॉग। तो पीपल एंड ब्लॉग जब तक यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे गाइज, तो लोगों को कैसे पता चलेगा और यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि बंदा किस कैटेगरी में पार्टिकुलर काम कर रहा है। एक बंदे का नीश होता है कि भाई मेरा नीश है ब्लॉग, तो पीपल एंड ब्लॉग का मेरा है। अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि टेक से रिलेटेड बनाते हैं तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर जिस कैटेगरी में आपका यूट्यूब चैनल है तो उस कैटेगरी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गेमिंग का है तो गेमिंग कर सकते हैं, एनिमल्स है या एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ब्लॉग है तो पीपल एंड ब्लॉग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे यहाँ पर हम गाइज सेव कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। फिर से गाइज हम यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ जनरल में जाएंगे और यहाँ पर मैंने चेक कर लेना है एडवांस वगैरह में सब ओके तो है। फिर यहाँ से मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, सब ओके है। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर पब्लिक है, यहाँ पर ओके है गाइज। सारा मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब गाइज मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक वीडियो है, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लीजिए गाइज, मैं एक वीडियो अपलोड किया था, मेरे गांव में पहली बार बहुत ठंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइटल्स गाइज, मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टाइटल्स देख सकते हैं 18 डिग्री यहाँ पर टाइटल है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यहाँ पर टाइटल को सबमिट किया हुआ है। इसके अलावा गाइज कुछ मैंने यहाँ पर टैग्स लिखे हैं, जो कि टैग डालना बहुत ज़रूरी है। कुछ टैग जब आप डालोगे तो डिस्क्रिप्शन में कुछ टैग आपको यहाँ पर भी डाल देना है और कुछ अलग से आपको डालना है, कुछ यहाँ पर बड़े क्रिएटर को मेंशन कर देना है। इसके अलावा गाइज टैग डालने के बाद फिर यहाँ पर हैशटैग हम डालना है गाइज। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने हैशटैग डाल दिया, अपना यूट्यूब का नाम भी डाल दिया, आगे पीछे एक दो वर्ड डाला है। इसके बाद जिस कैटेगरी में हमारा वीडियो है उस हिसाब से यहाँ पे डाल दिया है। कुछ बड़े जो क्रिएटर हैं उसके लेकर मैंने यहाँ पर कुछ उनका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अदरवाइज यहाँ पर भी कुछ मेंशन है, तो इस हिसाब से आपको भी मेंशन करना होगा। यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइटल और हैशटैग थोड़ा सा मेंशन करना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, जो मैंने वहाँ पर सेलेक्ट करा था, तो देखिए यही वाला ऑप्शन है गाइज, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं क्लिक और देखिए गाइज यहाँ पर मेरा टैग है और यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर ये डाला है हिंदी है मेरा भी और यहाँ पर इंग्लिश इंडिया है, ठीक है। तो आई होप कि गाइज ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब मैं एक और वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पतंग वाला वीडियो बनाया था, यहाँ से भी आप अच्छा खासा समझ पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए मैंने जो टाइटल जो लिखा हुआ है वो टाइटल को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने गाइज देखिए अपना टैग यहाँ पर लिखा हुआ है, टैग यहाँ पर देखिए मेरा लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर टैग लिखा है, टैग के अलावा गाइज मेरा पतंग का ब्लॉग है। बात को समझिएगा, मेरा पतंग का ब्लॉग है। तो मैं यूट्यूब पर सर्च किया कि कौन बंदा ज़्यादा पतंग वाला ब्लॉग बनाता है, तो मैं उस यूट्यूबर का यहाँ पर नाम लिखा, उसका यहाँ पर टैग डाला और हैशटैग भी बनाया, और समझ गया टैग भी डाला हैशटैग भी बनाया, उसको यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर भी मेंशन है, नीचे में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिएगा कि मेंशन है। तो कुछ यहाँ पर डाल दिया, कुछ यहाँ पर भी मैंने डाल दिया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसको बराबर लोग सर्च करते हैं, पता क्योंकि बड़ा क्रिएटर है। तो उसी हिसाब से अगर रैंक कर जाएगा तो आपका भी वीडियो रैंक करेगा, क्योंकि मेरा भी पतंग से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से आपको मैचिंग करके डालना बहुत ज़रूरी है गाइज, जो कि मैं आपको बता दिया, कोई नहीं बताता है ऐसा ट्रिक, ठीक है। मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। तो उम्मीद करते हैं गाइज कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि कोई क्वेश्चन हो, कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।